आज हमारे साथ है संतोष शुक्ला जो चंद्रकांता में अपना शानदार अभिनय का परिचय दिया इन्होंने, उसके बाद ये बिग बॉस में हर हर महादेव कहकर एंट्री करते हैं। वहाँ पे शो तो इन्होंने नहीं जीता लेकिन सलमान खान का दिल ज़रूर जीत लिया, और जो सलमान खान का दिल जीत लिया ये आसान बात नहीं होती है। आज हमारे साथ संतोष शुक्ला जी हैं जो फिल्म विलेन में भी मुख्य रोल में रहे हैं। संतोष शुक्ला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ एंड व्यूज़ एंड न्यूज़ पे। क्या कहना चाहेंगे होली के मौके पर आप सबसे पहले? होली के मौके पर घर की बड़ी याद आती है। लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ तो हमारे जो भी दोस्त यार हैं और परिवार के जो लोग हैं वो सब लखनऊ में ही हैं, तो अब यहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा है। अगर लखनऊ ये बम्बई दिल्ली के इतना होता तो शायद हम झट करके पहुँच जाते, बट क्योंकि ये एक लंबा सफ़र हो जाता है इसलिए बार बार जाना नहीं हो पाता, तो होली पे घर की याद ऑब्वियसली आती है। बाकी होली इस साल मुझे लग रहा है काफ़ी फीकी नज़र आ रही है, और ऐसी फीकी होली मैंने देखी नहीं पिछले कई सालों में, और उसका रीज़न आप भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, वो रीज़न है कोरोना वायरस। सो इट्स गुड दैट पीपल आर अवेयर एंड बहुत ही सावधानी बरत रहे हैं लोग, नहीं ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, भीड़ वाली जगहों पे दूर रह रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। तो वो थोड़ा सा एक होली थोड़ी सी फीकी लग रही है, बट आई थिंक वो हेल्थ से बेटर कुछ भी नहीं होता है, तो उसके लिए है। सो वैसे ही है माहौल। संतोष जी, जैसा कि आजकल जो देश में माहौल चल रहा है, आज हम रंगों की होली खेल रहे हैं, प्यार का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, रंग बिरंगा त्यौहार है, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा खून की होलियां दिख रही हैं, सारी चीज़ें दिख रही, इस पे मैसेज क्या देना चाहेंगे देश की जनता को आप? यार देश की जनता को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बात है, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग को परेशान कर रही है? इतना ज़्यादा गुस्सा भर गया है दिमाग में कि ये हाल फिलहाल में एक रियलिटी शो, बड़ा फेमस रियलिटी शो है, मैं भी उसका हिस्सा रह चुका हूँ, बिग बॉस, तो ये सीज़न बहुत बड़ा हिट हुआ, और उसका रीज़न ये था कि उसमें दो खून के प्यासे लोगों को देखा गया, एक दूसरे को मार देने तक की नौमत आ गई ऐसा लग रहा था, और वो शो नंबर वन TRP कर रहा था। तो TRP आती है हिंदुस्तान की जनता और आवाम जब उसको देखती है बहुत ज़्यादा, तो क्या बात है जो इतना गुस्सा, इतना लड़ाई और खून के प्यासे दो लोगों को देख के TRP बढ़ाई जा रही है? तो मुझे लगता है कि कोई एक ऐसी बात है जो लोगों को परेशान कर रही है, और उस बात से वाकिफ़ हैं आप सब भी, हम भी और आप भी। हिंदुस्तान जो है वो अखंड भारत की पहचान रही है। मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश हुई ब्राह्मण परिवार में और मेरी परवरिश हुई है मुसलमानों के बीच में, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे 75% दोस्त मुसलमान हैं। लखनऊ की अगर मैं बात करता हूँ तो जब ईद आती है ना तो वो एक अंदर से लहर उठती खुशी की कि यार ईद आ रही है, ईद आ रही है। तो ईद मनाना तो बाद में आता है, पहले उसकी तैयारियाँ करवाते हैं हम लोग। दिवाली पे जो घर में पूजा होती है, हमारे सब मुसलमान दोस्त आते हैं, पूजा में बैठते हैं, शरीक होते हैं, तिलक लगाते हैं, आरती करते हैं। ये है इंडिया, ये हिंदुस्तान है। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, दरार पड़ गई लोगों में, अब मुसलमान और हिंदू दोस्त नहीं रहे? मैं आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, होली मना रहा हूँ, जूम का इन्विटेशन घर पे पड़ा हुआ है, बॉम्बे टाइम्स की होली का इन्विटेशन घर पे पड़ा हुआ है। मूडी आदमी हूँ मैं, कलाकार आदमी हूँ, नहीं हुआ दिल मेरा, नहीं गया मैं। मैंने मेरे दोस्त हैं शादाब सिद्दीकी, मेरे दोस्त हैं नूर, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहाँ हो, बोले वर्सोवा, मैंने बस मेरी जान आ रहा हूँ, तुम लोगों के साथ होली खेलूँगा। यहाँ जो अपनापन मैंने देखा ना, जिस अखलाक के साथ हम लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, जो साफ दिल के साथ, नियत के साथ एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, होली खेल रहे हैं, वो हैप्पी होली मेरी जान। ये शराब सिद्दीकी हैं जो डायरेक्टर हैं जिनका अभी जिक्र किया संतोष शुक्ला जी ने, बढ़िया, अभी बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, अभी नीचे से उठ के आ रहा है, और आने वाले वक्त पे मुझे, मैंने जो मेरा विजन और जितना जो मेरी सद्बुद्धि है, जो मुझे जितना काम की समझ है, मैंने इनके साथ बैठा हूँ, मैंने इनकी स्क्रिप्ट सुनी है, इनका नरेशन लिया हुआ है, एक फायर है इसके अंदर। नहीं ये तो भाई बाप रे, यहाँ पकड़ लेता आकर के स्क्रिप्ट सुनाते सुनाते, ऐसे लगता है ये शिकंजा कस दिया किसी ने। नहीं ये भैया का तो बड़प्पन है। नहीं नहीं दोस्त, तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत टैलेंटेड लड़का है, और तो मैं इनके साथ होली मनाने आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। नूर हमारे बड़े अजीज, बहुत खास दोस्त हैं, लुंगी पहने हुए घर पे थे, मैंने किधर हो, बोला भाई लुंगी, मैंने लुंगी में आ, तू लुंगी लुंगी बी रियल लुंगी में आ, लुंगी तो सभ्यता है ना। ये देखिए ये नूर है, नूर साहब बहुत बहुत अजीज हैं हमारे, बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर है। अभी अपनी वो फिल्म क्या नाम था उसका,
जिसकी कास्टिंग की, गुल मकई की कास्टिंग की इन्होंने, हमारे साथ भी एक दो प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं इंशाल्लाह, हम लोग करेंगे, महादेव का आशीर्वाद रहा। तो नूर का भी जो है वो कैसा है कि रियल आदमी है, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े आदमी है, एकदम लुंगी और हवाई चप्पल और टी शर्ट हमारी मोहब्बत में चले आए, लुंगी में होली। संतोष भाई का फ़ोन आया, अभी जैसी हालत में वैसे ही जाना पड़ेगा। सो ये है अखंड भारत की पहचान, आप समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाती है हिंदुस्तान की एकता। तो वो जो चंद लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम की एकता को ख़राब करना चाहते हैं, मैं हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूं कि उनकी बातों में मत आओ, अब वहां पे ध्यान मत दो, अपनी अकल लगाओ, अपनी अकल लगाओ। संतोष जी, अभी हम लोग जब यहां पे आए तो वहां हम लोग पहुंचे थे रास्ते में गेट के पास, तो यहां से हमें एक नारा सुनाई दिया, हर हर महादेव अल्लाह अकबर, दोनों 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 एक ही आवाज़ में था, वो आप थे। हाँ जी, मैं। तो एक बार प्लीज़ आप माइक पे। बिल्कुल, हिंदुस्तान की जनता को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये नारे को फॉलो करो और इसको और आगे बढ़ाओ, इसको ट्रेंड करो, मिलियंस में ले जाओ, बिकॉज ये वो नारा है जो हिंदुस्तान की एकता को दर्शाता है। और वो नारा मैं अपनी आवाज़ में आप लोगों को आज इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, हर हर महादेव, अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये जो आवाज़, ये जो एनर्जी निकलती, ये जो दो नाम है, इतने पवित्र नाम है, यकीन मानना बहुत दिल से बोल रहा हूँ, बहुत शक्ति है इसमें। किसी भी तकलीफ में कहीं भी होना, जोर से चिल्लाना हर हर महादेव और अल्लाह हु अकबर अल्लाह, एक कॉन्फिडेंस लगेगा। वो एक लाइन बोलना चाहूंगा, बिल्कुल बोलो, बिल्कुल बोलो। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, बुरा जो करता है वो इंसान बुरा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप समझ सकते हैं कि ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा, जो करता है वो इंसान बुरा है। तो ऐसे इंसानों से अपने को बचने का है, हमको दूर रहना है ऐसे लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी हमसे बात करने के लिए। ये थे संतोष शुक्ला, जो एक बड़े आर्टिस्ट हैं, सलमान खान के बहुत करीबी लोगों में जाने जाते हैं, कई फिल्मों में इन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है, और इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया, और जो इन्होंने बात कही हर हर महादेव और अल्लाह अकबर, एक ब्राह्मण परिवार से ये आते हैं, लखनऊ से हैं, मुंबई में रह रहे हैं, कई बड़ी फिल्मों में काम किया इन्होंने, और बिग बॉस में भी इन्होंने सलमान खान का दिल जीतने का काम किया था। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ एंड व्यूज़ में।